हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीबीआईसी ने 6 जुलाई को बहुत सारे सर्कुलर इशू किए। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्कुलर आया, फेक इनवॉइस और फेक क्रेडिट, उस पे ड्यूटी एंड पेनल्टी के प्रोविजंस के रिगार्डिंग, उस इशू को क्लैरिफाई करते हो। उस सर्कुलर में क्या क्लैरिफाई किया है उसे समझने के लिए हमें पहले तो देखना पड़ेगा जीएसटी में ये फेक इनवॉइस का काम होता कैसे रहा है, डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले रहा था, क्या वो एक्शन लीगली सस्टेनेबल थे, सीबीआईसी को ये सर्कुलर क्यों लाना पड़ा। जीएसटी में इनिशियली जब जीएसटी आया तो उसमें 3 रिटर्न्स की बात की गई थी, GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3। ये मॉडल कभी ग्राउंड रियलिटी बना नहीं। अगर बन जाता तो शायद आज हमें ऐसे सर्कुलर्स की जरूरत ही ना पड़ती। क्यों? GSTR 1 में मुझे अपनी आउटवर्ड सप्लाईज शो करनी थी। ऐसे ही मेरे सप्लायर्स जो हैं वो भी अपनी आउटवर्ड सप्लाई शो करेंगे अपनी अपनी GSTR 1 में। अब मेरी इनवर्ड सप्लाई रिफ्लेक्ट होती जो उनसे आई है GSTR 2 में। 1 में मेरी आउटवर्ड सप्लाई, 2 में मेरी इनवर्ड सप्लाई, और इनकी मैचिंग से ऑटो पॉपुलेट होती GSTR 3। तो फेक क्रेडिट और फेक इनवॉइस की गुंजाइश ही ना बचती। लेकिन क्योंकि ये फंक्शनैलिटी कभी पिक्चर में आई ही नहीं, तो सरकार ने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट निकाला GSTR 3B के तौर पर, जिसमें अभी तक कोई मैचिंग का प्रोविजन नहीं था। अब कुछ भी क्रेडिट दिखाओ, कितना भी क्रेडिट दिखाओ, जिसका फायदा उठाते हुए ये पूरा स्कैम हुए फेक इनवॉइस और फेक क्रेडिट के। कैसे? एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझते हैं। 3 एंटिटीज प्रिज्यूम करते हैं, ए, बी और सी। ए से शुरुआत करते हैं। ए के पास कोई भी इनवर्ड सप्लाई नहीं है, वो 3B में गलत क्रेडिट शो करता है और उस गलत क्रेडिट को बी को पास ऑन कर देता है। उसने बी को कोई सप्लाई नहीं दी, किसी गुड्स की, किसी सर्विसेज की कोई सप्लाई नहीं दी, सिर्फ ये फेक क्रेडिट, गलत क्रेडिट पास ऑन कर दिया। अब बी के पास ये गलत क्रेडिट आ गया ए से, लेकिन कोई माल तो आया नहीं, कोई सप्लाई तो आई नहीं। अब बी ने क्या किया, उसने कच्चे में माल प्रिक्योर कर लिया। क्रेडिट ए से आया हुआ था, बाहर से कहीं और से कच्चे में माल प्रिक्योर कर लिया बिना जीएसटी पे किए, और अब उसने इस माल को ड्यूटी पेड माल बनाकर सी को सप्लाई कर दिया। सी जो एक भोला भाला शरीफ ऑनेस्ट बोनाफाइड टैक्सपेयर है, वो बी से बिल और माल दोनों की सप्लाई ले लेता है। अब यहां पर ए और बी ने जो बिलों का काम किया, फेक इनवॉइस का काम किया, गलत क्रेडिट घुमाया, मान लीजिए इसमें 10 करोड़ का टैक्स घुमा, तो यहां पर डिपार्टमेंट किस तरह से एक्शन ले रहा था? डिपार्टमेंट उस 10 करोड़ की डिमांड एक से नहीं, दो से नहीं, इन तीनों से
से कर रहा था। डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों से जाकर वो 10 करोड़ की डिमांड कर रहा था। ये ए बी सी तीनों अलग अलग जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं। सेंटर वाला, स्टेट वाला, हर कोई जाकर इन तीनों से उस टैक्स की डिमांड कर रहा था। लेकिन क्या डिपार्टमेंट का ये एक्शन लीगली सस्टेनेबल था? नहीं। तभी तो सीबीआईसी को यह सर्कुलर लाना पड़ा। एक्चुअली यहां पर हुआ क्या, एबीसी ने क्या किया? ए ने बी को गलत क्रेडिट पास ऑन किया, जो बेशक एक ऑफेंस है लॉ का ऑब्वियसली, लेकिन उसने कोई भी सप्लाई नहीं की। ए ने किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं की, तो कोई जीएसटी की डिमांड बनी ही नहीं, तो वहां पर कोई क्रेडिट यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गलत क्रेडिट पास ऑन हुआ। जब वहां कोई क्रेडिट का यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो डिपार्टमेंट का ए के पास जाकर उससे उस टैक्स की डिमांड करना लीगली सस्टेनेबल नहीं है। डिपार्टमेंट जो उससे सेक्शन 74 में टैक्स की डिमांड और पेनल्टी इक्विवेलेंट टू टैक्स मांग रहा था, वो लीगली सस्टेनेबल नहीं था। तो ए पर क्या कोई पेनल्टी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। लॉ का इंफ्रेक्शन हुआ है, उसने गलत क्रेडिट पास ऑन किया है, लेकिन ए पर पेनल्टी बनती है सेक्शन 122 में। और डिपार्टमेंट उससे टैक्स और पेनल्टी की डिमांड कर रहा था 74 में। अब ऐसे केस में जहां प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, वहां पर क्या होगा? डिपार्टमेंट ने तो ए से जाकर डिमांड कर ली 74 में, लेकिन वो तो लीगली सस्टेनेबल नहीं है। प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, अब डिपार्टमेंट को रियलाइज होता है, ओके 74 में तो नहीं डिमांड, पेनल्टी नहीं बनती है, क्या करें? अच्छा 122 में बनती है, चलो वो लगा देते हैं। नहीं जनाब, प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद अब आप ए पर 122 की पेनल्टी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 75 का सबसेक्शन 13 पढ़िए, वो कहता है एक बार आपने 74 में ए से पेनल्टी डिमांड कर ली, तो उसके बाद आपके ऊपर बार है, रिस्ट्रिक्शन है कि आप अब ए पर किसी भी और प्रोविजन के अंदर पेनल्टी नहीं लगा सकते, नहीं मांग सकते। तो अब आप 122 की पेनल्टी ए पर नहीं लगा सकते। तो जहां प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है गलत प्रोविजन के अंदर, वहां क्या होगा? ए जैसे फ्रॉडस्टर्स जो गलत क्रेडिट पास ऑन कर रहे थे बिना किसी सप्लाई के, वो स्कॉट फ्री निकल जाएंगे। डिपार्टमेंट की इस गलती से, गलत आदमी से टैक्स की डिमांड करने से, गलत सेक्शन इन्वोक करने से, वो अब ऐसे फ्रॉडस्टर्स बेझिझक स्कॉट फ्री घूमेंगे, निकल जाएंगे। क्योंकि टैक्स की डिमांड यहां बनती किससे थी? सिर्फ एक आदमी से, बी से। बी से क्यों? बी ने माल की सप्लाई की, उसने गुड सप्लाई किए, तो वहां टैक्स लाइबिलिटी अराइज हुई। और वहां हुआ उसने जो गलत क्रेडिट लिया था उसका यूटिलाइजेशन। तो टैक्स की डिमांड सिर्फ एक आदमी से बनती है, बी से। लेकिन डिपार्टमेंट हर किसी से जाकर सीधा टैक्स की डिमांड कर रहा था।
ऐसा नहीं है ये जीएसटी में कोई नया इशू आया है, प्री जीएसटी एरा में भी सेंट्रल एक्साइज में ये होता रहता था, लेकिन इस स्केल और मैग्नीट्यूड पर नहीं जो जीएसटी में नजर आ रहा है। तब भी हम ये कंटेंड करते थे कि जो सिर्फ गलत क्रेडिट पास ऑन करता है, बिल इशू करता है, उससे ड्यूटी डिमांड नहीं बनती। पर तब हमें लिटिगेशन कर करके कोर्ट से ये बात बुलवानी पड़ती थी, जजमेंट्स लानी पड़ती थी। इस बार पहली बार सीबीआईसी ने प्रोएक्टिवली खुद से सामने से आकर इस इश्यू को क्लैरिफाई किया है। ऐसा करके सरकार ने अपना रिवेन्यू सिक्योर कर लिया और उन फ्रॉडस्टर्स को भी प्रॉपरली पेनलाइज करने का एक चैनल बना दिया। सरकार ने अपना रिवेन्यू कैसे सिक्योर कर लिया? ड्यूटी की डिमांड तो सिर्फ बी से ही बननी थी, पर उसके पीछे ए और ए जैसे न जाने कितने और सप्लायर्स जिन्होंने सिर्फ बिलों का काम किया, सिर्फ गलत क्रेडिट पास ऑन किया और कोई सप्लाई नहीं की, उन पे अब 122 की पेनल्टी इम्पोज करके सरकार ने अपना रिवेन्यू सिक्योर कर लिया। और अब वो भी किसी लूप होल का सहारा लेकर स्कॉट फ्री नहीं निकल पाएंगे। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट सीबीआईसी इस प्रोएक्टिव स्टेप के लिए। अगर हम सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं तो तारीफ भी करनी चाहिए जब वो कोई अच्छा काम करती है, लेकिन डिपार्टमेंट तो सी से भी टैक्स की डिमांड कर रहा है, उस बोनाफाइडी टैक्स पेयर से जिसने माल भी लिया, जिसने जिसके पास बिल भी है, जिसके पास ई वे बिल भी है, जो एक प्रॉपर टैक्स पेयर है, उसकी क्या गलती है? क्या सी से ऐसे टैक्स की डिमांड करना जस्टिफाइड है? अनलेस एंड अनटिल आप ये शो करो कि सी का बी के साथ कनाइवेंस था, वो उस हैंड्स इन ग्लव्स था, उसके साथ मिला हुआ था, तब तो अलग बात है, अदरवाइज तो वो इनोसेंट है। उससे क्या 10 करोड़ की डिमांड जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं। डिपार्टमेंट कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं करता, उसने देखा आपके बैकएंड पे सप्लायर मिसिंग है, आप 2G डिमांड, आपके सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आप पे ड्यूटी डिमांड। क्या इस तरह के एक्शंस जस्टिफाइड है? ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रेसिपिएंट जो है बोनाफाइडी टैक्स पेयर, उस पे किस तरह के चार्ज लगाए जा रहे हैं, क्या वो सही है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, उन्हें किस तरह से डिफेंड करें? आप अगर एक बोनाफाइडी रेसिपिएंट है, सही रेसिपिएंट है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपके पास माल भी है, बिल भी है, और आप पर ऐसे डिमांड्स के नोटिसेज आते हैं, आप पे ऐसे कुछ चार्ज लगते हैं, तो आप उससे कैसे डिफेंड करें, आप क्या करें? इसे जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में। तो इस सर्कुलर की बात करें तो इस सर्कुलर ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि सिर्फ गलत क्रेडिट पास ऑन करने पर ड्यूटी की डिमांड नहीं बनती, पेनल्टी बनती है सेक्शन 122 के सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज 2 में। टैक्स की डिमांड सिर्फ उस आदमी से बनती है जिसने गलत क्रेडिट यूटिलाइज किया है, हमारे एग्जाम्पल में जैसे कि बी ने। सो सीबीआईसी ने फर्स्ट टाइम प्रोएक्टिवली इतना अच्छा सर्कुलर इशू किया है, जो लिटिगेशन कर करके हम प्री जीएसटी एरा में बात लेके आया करते थे जजमेंट्स के थ्रू, वो खुद से बता दी है और अपना रिवेन्यू भी सिक्योर कर लिया है। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ सीबीआईसी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।